जेल में रहने के दौरान रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश से मुलाकात की थी। यह मुलाकात काफी गोपनीय थी, जिसकी भनक अब तक किसी को नहीं थी। लेकिन जब ईडी के अधिकारियों को यह गुप्त सूचना मिली तो ईडी ने बिरसा मुंडा जेल में सोमवार छापेमारी की, और उस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने वह सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश ने सूरज डूबने के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जेल में मुलाकात की थी। वह शाम 6:41 पर छवि रंजन के वार्ड में घुसे और शाम 7:36 पर बाहर निकला था। उस दौरान प्रेम प्रकाश ने अपने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। नियमानुसार सूरज ढलने के बाद कैदियों के कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। शाम के बाद विषम परिस्थितियों में ही कैदी कमरे से बाहर निकलते हैं। ऐसे में जेल में दोनों की मुलाकात 5 मई की शाम को हुई थी। छवि रंजन ने गिरफ्तारी के बाद 5 और 6 मई की रात जेल में ही गुजारी थी। आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ में छवि रंजन ने यह बात कहा था कि वह प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं, कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन ईडी ने अब एक नए सिरे से इस खुलासे के साथ ही जालसाजी की जमीन की खरीद बिक्री में इन व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश की भी पोल खोल दी है। साथ ही जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी इस जांच के साथ ही संदेहास्पद हो चुकी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।